नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्लास्टिक बैग से 14 नवजात बच्चों के कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला है कोलकाता के हरिदेवपुर का, जहां एक खाली पड़े प्लॉट में रविवार को 14 बच्चों का कंकाल बरामद हुआ। ये मामला तब सामने आया जब इस खाली पड़े प्लॉट की सफाई की जा रही थी। तभी एक मजदूर की नजर इस प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। जब इसे देखा गया तो इसमें नवजात का शव मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शव पूरी तरह से गल चुका था, सिर्फ कंकाल ही बचे थे। वहीं इस मामले में कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी ने बताया कि दो बैग में इन 14 शवों को अलग अलग प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया था। अभी और भी तलाशी जारी है कि कहीं और भी शवों को छिपा कर रखा तो नहीं गया है। साथ ही मेयर ने बताया कि ऐसा लगता है कि इन शवों पर केमिकल लगाया गया है। तो वहीं अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आसपास में अवैध गर्भपात कराने वाले गिरोह सक्रिय तो नहीं है, जो गर्भपात कराने के बाद शवों को यहाँ लाकर फेंक जाते हैं। फिलहाल कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी और वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है। आगे और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रहार टाइम्स।